हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम ग्रो करेंगे मॉस रोज की कटिंग को वाटर में। तो मॉस रोज की कटिंग को वाटर में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको प्लांट की कटिंग चाहिए, और कटिंग को आपको इसकी लीव्स है ये सारी हटा देनी है इस तरह से। ऊपर वाली लीव्स ऐसे ही छोड़ देनी है और इसको पानी में डाल देना है। इस तरह से हम सभी कटिंग्स को लगा देंगे। तो हमने हमारी सभी कटिंग्स को पानी में ग्रो कर दिया है। तो देखते हैं कब तक इनमें रूट्स ग्रो होती हैं। लगभग 8 घंटे बाद एकदम बारीक बारीक जो रुई होती है उसकी तरह इसकी रूट्स हैं, बहुत ही पतली पतली है। शायद आप देख पा रहे होंगे, अभी कटिंग को ग्रो किए हुए सिर्फ 8 घंटे हुए हैं। अब देखते हैं हमारी दूसरी कटिंग, इसकी भी रूट्स बिल्कुल बारीक बारीक है। जैसे पतली पतली एकदम रेशे होते हैं ना, उसकी तरह इनकी रूट्स ग्रो हुई हैं। दो दिन बाद अब हमारे मॉस रोज की कटिंग्स में अच्छे से रूट्स निकलने लग गई है, जो काफी बारीक बारीक है। और इस वाले में भी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। मॉस रोज काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है पानी में भी और सोइल में भी। और ये 4 से 5 दिन में इन डिस्पोजल कप के अंदर इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएंगी, यानी घनी हो जाएंगी। तो आप इजीली मॉस रोज को ग्रो कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉट में लगा सकते हैं। बाहर निकाल के भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी बारीक बारीक रूट्स हैं इनकी। अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, जब हम कटिंग को लगाते हैं तो 7 से 8 घंटे के अंदर इनकी रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। सभी की सभी कटिंग्स के अंदर रूट्स ग्रो हो चुकी हैं। ये वाली कटिंग्स भी अच्छे से सक्सेस हो गई है, सब में अच्छे से रूट्स निकल गई हैं। आप चाहें तो इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं बड़े पॉट में, और सोइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो हम इनको वापस से पानी में छोड़ देते हैं।
क्योंकि अगर ज़्यादा देर हम इनको बाहर रखेंगे तो इनकी रूट्स काफ़ी पतली हैं जो ड्राई हो जाएंगी और कटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।